इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से। गोहाना में आज सुबह हुए दूधिया के हत्या मामले में 3 आरोपियों को गोहाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी रविंद्र तोमर की अगुवाई में डीसीपी नरेंद्र काद्यान जो क्राइम के इंचार्ज हैं उनकी ड्यूटी लगी और उसके बाद उनकी पूरी टीम ने, पूरी सोनीपत जिले की टीम ने और गोहाना की स्पेशल टीम ने काम किया और इसके बाद सीआईए गोहाना के साथ मिल करके तत्परता से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके अंदर आर्यन पुत्र सुरेंद्र हैं जो कि शामड़ी गांव का ही है, उसके बाद कुलवीर पुत्र महेंद्र हैं जो उमरा गाँव के हैं और इसके बाद लोकेश पुत्र राकेश है जो कि हांसी के हैं। आपको बता दें कि आज सुबह एक दूधिया की हत्या कर दी गई थी जो कि शामड़ी गाँव का था, जयपाल उर्फ जोगेंद्र जिसके बेटे ने को मर्डर का मामला हुआ था जिसके अंदर उसका बेटा जो है वो आरोपी था। इसके बाद ये एक रंजिश थी और 2020 में हुए इस मर्डर के बाद से ही जो है वो देवेंद्र नाम का शख्स जो है वो रंजिश पाले हुए था। देवेंद्र के भाई की जो है वो हत्या हुई थी और देवेंद्र ने इन लोगों से संपर्क किया जिसके बाद इन लोगों ने जो है वो जयपाल उर्फ जोगेंद्र को आज सुबह मौत के घाट उतार दिया। विस्तृत जानकारी देते हुए डीसीपी रविंद्र तोमर ने बताया कि इन आरोपियों को गिरफ्तार करना गोहाना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। K9 मीडिया के लिए गोहाना से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। उसके आरोपी गिरफ्तार किए हैं 6 घंटे बाद। कौन कौन इसमें आरोपी हैं और घटनाक्रम जो हत्या का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, ये जयपाल उर्फ जोगिंदर है, शामड़ी गांव का, सदर थाने में हमारे गांव आता है वहाँ का रहने वाला है। इसके बेटे अंकुश के द्वारा जो है 2020 में मर्डर हुआ था, उसी की रंजिश रखते हुए आज ये मर्डर हुआ है। एक घटना करीब 9:20 सुबह की है और इसमें हमारे डीसीपी क्राइम श्री नरेंद्र काद्यान जी का हमारे साथ बहुत सहयोग रहा और हमारी सीआईए टीम गोहाना जो है ना तत्परता से कार्रवाई करते हुए और हम 2 लोगों को गांवड़ी गांव से गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। एक जो गांव उमरा सुल्तानपुर हांसी में पड़ता है, सदर में गांव, एक उमरा से हम उसको गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। FIR में जो मृतक के बेटे ने 9 से 10 लोगों के ऊपर आरोप लगाया है, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन अब तक की है उसमें ये 5 लोगों का संलिप्तता मिली है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी तो उसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगी जो उन्होंने आरोप लगाया। 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, एक आर्यन पुत्र सुंदर है, गाँव शामड़ी से है, 19-20 साल उम्र है इसकी। दूसरा कुलबीर पुत्र महेंद्र है, ये गांव उमरा का है, और तीसरा है लोकेश पुत्र राकेश, गांव थुराड़ा, ये भी हांसी में पड़ता है। तो जो ये 2 लोग हैं आर्यन और कुलबीर, ये हमने गामड़ी से इनको गिरफ्तार किया है खेतों से, और जो ये लोकेश है इसको गांव थुराड़ा हांसी से गिरफ्तार करके लेके आए हैं। तो इनके पास जो था ये एक 315 बोर का पिस्तौल और 2 राउंड जिंदा वो भी रिकवर हुए हैं। कल इनको अदालत में पेश करेंगे, रिमांड लेंगे आगे की तफ्तीश पे ताकि और मदद इनकी बातचीत से और इनकी पूछताछ से आगे कार्रवाई चलेगी। सर, जो आरोपी हैं सर 3, इनका मृतक के जिन्होंने मर्डर करा है इनसे कनेक्शन क्या है? ये कॉन्टैक्ट किलर हैं या मतलब? नहीं, कोई कॉन्टैक्ट किलर नहीं है। मैंने बताया कि 2020 में मर्डर हुआ था जो इनका रविंदर का मर्डर हुआ था और ये अंकुश इस पे आरोपी था, मृतक का बेटा। अच्छा। तो अब उसी रंजिश को रखते हुए इसने देवेंद्र जो लड़का है उसने ये और उसके 4-5 साथियों ने मिलकर ये अंजाम दिया है। तो कोई देवेंद्र कौन है सर? ये रेकी के लिए, वही मैं कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अभी स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे बातें आती रहेंगी तो उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। सर, जो जयपाल मृतक है इसको कितनी गोलियां मारी गई थी और मौके से कितने खोल बरामद किए गए थे? 8 से 9 फायर हुए हैं जिसमें से कुछ जिंदा राउंड भी है और बाकी जो प्रयोग किए गए उनका सिक्का मिला है। और जो गोलियां लगी थी सर मृतक को कितनी है? वो पोस्टमार्टम में एक्सरे के बाद जो पोस्टमार्टम की कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी वो उसके बाद पता चलेगा। सर, ये देवेंद्र जो है ये कौन है सर?
इसने क्यों चलवाई सर गोलियां? देवेंद्र का भाई एक को पहले मरवाया गया था, तो उसने उसके रंजिश रखते हुए बदला लेने की नीयत से ही काम किया। तो इसके दोस्त हैं सारे देवेंद्र के जो या इसके सब किए हुए बंदे हैं? वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, देवेंद्र जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाएगा तब तक ये सब चीज़ें सामने नहीं आ पाएंगी। नहीं, आरोप जो है मुख्य आरोपी देवेंद्र है, और आरोप जो मृतक के बेटे ने जो आरोप FIR में लगाए 9 से 10 जो है लोगों पे लगाए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आएंगी उसके बाद खुलासा हो जाएगा। ठीक है सर। 6 घंटे में ये पुलिस ने पूरा मामला केस सोल्व कर लिया है, पूरी टीम कितनी लगाई गई इसमें, टीम कितनी लगाई गई थी? और इसमें मैंने बताया ना DCP क्राइम को, जैसे ये घटना हुई हमने, क्योंकि DCP क्राइम सारे क्राइम को क्राइम यूनिट्स को इंचार्ज हैं वो, तो उनसे ही बात हुई, कंट्रोल रूम में मीटिंग करवाई, तो उधर से कुछ टीमें उधर से दौड़ी, और हमारे CIA इंस्पेक्टर इस बात के लिए काबिल तौर जो है उन्होंने किया है काम, उनकी टीम ने, तो मैं उनको इस बात के लिए उनकी शाबाशी है कि उन्होंने इतने कम समय में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर जो आरोपी हैं क्या इनका और भी मामला खंगाला जाएगा क्या? हमने जिस थाने से इनका, जैसे सदर में एक सदर का है, उनके जितने पुराने मुकदमे हैं उनको रिकॉर्ड से देख रहे हैं, और हासी से भी रिकॉर्ड उनका मंगवा रहे हैं कि इनका कोई पूर्व इतिहास इस तरह का ना रहा हो। कहाँ से गिरफ्तार किया सर इनको? 2 गामड़ी से किए मैंने, जैसे आर्यन और कुलबीर, तो गामड़ी में ही पकड़ा है इनको खेतों से, और जो तीसरा है लोकेश, ये गांव थुराना का रहने वाला है, गांव थुराना से इसको गिरफ्तार करके लेंगे। कौन सा टीम ने पकड़ा? CIA टीम। ठीक है सर। गोहाना। ठीक है सर। लेकिन सब अच्छा किया, पूरी क्राइम यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया, और पूरी सोनीपत पुलिस इस बात के लिए जो नाकाबंदी करने में और एक जो प्रेशर जो था नाकाबंदी के थ्रू लगा, तो सभी इस बात के लिए उनका साहस और उनकी जो कार्यशैली है वो अच्छी रही। थैंक यू।